सरदार का ऐसा दबदबा कि उस दबदबे की धमक सात समंदर पार तक सुनाई देती है। जुर्म की दुनिया के आका का एक और ऑर्डर आता है और उसके इशारे पर उसके गुर्गे कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। आपको दिखाते हैं क्राइम वर्ल्ड के नए गुरुजी यानी कि लॉरेंस विश्नोई की कहानी, जिसके अपराध के तौर तरीकों ने न सिर्फ खाकी वर्दी वालों की नाक में दम कर दिया बल्कि उसकी रोजाना की कमाई ने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए। जो गुरुजी ने कह दिया समझो हो गया। जेल से जो ऑर्डर आया समझो पूरा हो गया। गुरुजी जो कहेंगे सब समझो वैसा ही होगा। क्राइम वर्ल्ड का सनसनीखेज ट्रेलर। लॉरेंस जेल में बैठकर साजिश रचता है और बाहर उसके गुर्गे उस साजिश को अंजाम तक पहुंचाते हैं। वो वारदात की प्लानिंग करता है और देश के किसी भी कोने में उसके शूटर गोलियां बरसाते हैं और इस काम में उसके कई साथी गैंगस्टर शामिल हैं जो विदेशों में बैठकर लॉरेंस का हुक्म बजाते हैं। यह कहानी है अपराध जगत की उस पाठशाला की जहां एक ही गुरु है, उसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। जो उनकी दुनिया के इस नए डॉन ने बीते कुछ सालों में जिस तरह का वर्चस्व कायम किया है वो देश की सुरक्षा एजेंसियों को भी सख्ते में डालने वाला है। लॉरेंस बिश्नोई ने न सिर्फ दुनिया के कई देशों में नेटवर्क खड़ा किया है बल्कि अपने गैंग को ऑपरेट करने के लिए इतनी कमाई की है कि किसी के भी होश फाख्ता हो जाए। लेकिन सवाल तो यह भी है कि आखिर गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई कैसे सारे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है, कैसे वो अपराध जगत में अकूत कमाई कर रहा है, कौन उसकी जरायम की दुनिया का वारिस है, ये सब कुछ समझेंगे। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि आखिर सलाखों के पीछे से सात समंदर पार तक अपराध का जाल बिछाने वाला लॉरेंस बिश्नोई कौन है, कैसे उसने अपने नेटवर्क को खड़ा किया है, कैसे उसके ऑर्डर पर उसके गुर्गे सब कुछ छोड़कर सिर्फ उसी का कहा मानते हैं। हाल ही में अगर एक बार फिर से किसी के कारनामों की, किसी के जुर्म की करतूतों की गूंज है तो वो साबरमती जेल में बंद जेल के एक कैदी की है। चाहे दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें या विदेश में कैनेडा तक उसके जुर्म के कारनामे, उसकी करतूतें इस वक्त हर किसी की चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। नाम उसका है लॉरेंस बिश्नोई उर्फ गुरुजी। गुरुजी यानी लॉरेंस बिश्नोई, जिसने एक ऐसा गैंग खड़ा किया है कि जहां ज्यादातर गैंगस्टर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ना तो गैंग में किसी की गर्लफ्रेंड है और ना ही पत्नी, यानी किसी का कोई परिवार नहीं है, किसी पर कोई जिम्मेदारी नहीं। बस जिम्मेदारी है तो वो है गुरुजी यानी लॉरेंस बिश्नोई का ऑर्डर पूरा करने की। लॉरेंस बिश्नोई 68 साल के दाऊद इब्राहिम से आधी उम्र का है लेकिन अपनी 32 सालों की उम्र में उसने जो रुतबा बनाया है उसे देखकर हर कोई हक्का बक्का है। बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के बुजुर्ग माता पिता सुरक्षा कारणों से किसी सुरक्षित स्थान पर रहते हैं। परिवार में इकलौता छोटा भाई अनमोल बिश्नोई है जो बड़े भाई की राह पर चलकर अपराध की दुनिया का नेटवर्क संभाल रहा है और उसे लगातार विस्तार देने में लगा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम कंपनी ने हाल ही में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद अकूत कमाई अर्जित की है और उस कमाई का इस्तेमाल गैंग का नेटवर्क फैलाने, गैंग के सदस्यों की कानूनी पैरवी में, उनके परिवार के सदस्यों की आर्थिक मदद में, हाईटेक हथियारों की खेप खरीदने में, विदेशी धरती पर बैठे गैंग के बड़े ऑपरेटर्स तक पैसा पहुंचाने में, टारगेट ऑपरेशन में और दूसरी जरूरतों में इस्तेमाल किया जाता है। लॉरेंस बिश्नोई पर काम कर चुके चंडीगढ़ पुलिस के कुछ अधिकारियों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई परिवार से बेहद संपन्न है। उसके पिता जमींदार हैं और उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है।
किसी फिल्मी कहानी की तरह रियल लाइफ का ये गैंगस्टर पिछले कई सालों से जेल में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई के अगर भाई अनमोल बिश्नोई की बात करें तो वो विदेश में कहीं छिपा बैठा है, और दूसरी तरफ इनकी जो अकूत करोड़ों की संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, इसका वारिस कोई नहीं है। भले ही परिवार की संपत्ति का कोई वारिस नहीं है, लेकिन लॉरेंस ने अपनी क्राइम कंपनी चलाने के लिए जो तौर तरीका अपना रखा है वो एक दिन में करोड़ों का खेल कर देता है। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस गैंग ने बाकायदा रंगदारी वसूलने के लिए हर किसी से रेट लिस्ट तय कर रखी है। इस रेट लिस्ट में टारगेट के जिंदा रहने की कीमत भी शामिल है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लॉरेंस का गैंग अपने टारगेट की जिंदगी के लिए 50 लाख से 10 करोड़ तक की रकम ऐंठ लेता है। इस गैंग के निशाने पर ज्यादातर वो लोग होते हैं जिनके पास या तो ब्लैक मनी होती है या फिर वो खुद गैर कानूनी तरीके से बेहिसाब दौलत कमा रहे होते हैं। इन लोगों में बुकीज भी शामिल हैं। गुरुजी यानी लॉरेंस का ये गैंग किन लोगों से कितनी रकम वसूल करता है, इस लिस्ट पर भी नजर डालते हैं। लग्जरी कारों का शोरूम 5 करोड़, म्यूजिक इंडस्ट्री 5 से 10 करोड़, बिल्डर 2 से 5 करोड़, सर्राफा कारोबारी 1 से 2 करोड़, प्रॉपर्टी डीलर 2 से 3 करोड़, रेस्टोरेंट स्वीट शॉप 50 लाख से 1 करोड़, सट्टेबाज 2 से 5 करोड़, अवैध कॉल सेंटर 2 से 5 करोड़, शराब कारोबारी 1 से 3 करोड़, हवाला कारोबारी 5 से 10 करोड़। दिलचस्प बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई के अपराध जगत में उसके कई साझीदार हैं जो गुरुजी यानी लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए ये भी समझते हैं कि आखिर लॉरेंस के अपराध की दुनिया में कौन कौन शामिल है। इस गैंग में पहला नाम आता है अनमोल बिश्नोई का, फिर गोल्डी बराड, रोहित गोदारा, सचिन बिश्नोई थापन, ऋतिक बॉक्सर, दीपक बॉक्सर, राजू बसोदी, काला राणा, यूएसए में बैठा लॉरेंस का करीबी हथियारों का सौदागर तरम्मन कालू और विक्रम बराड़। गुरुजी यानी लॉरेंस बिश्नोई की टीम में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी उसके साथी हैं, वो सभी लॉरेंस बिश्नोई की ही तरह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ना किसी की कोई गर्लफ्रेंड है, ना किसी तरह की कोई माशूका है, ना किसी ने शादी की है। बाकी गैंगस्टर अगर हम यहां पर एग्जाम्पल लें, दाऊद इब्राहिम की और उसके साथियों की तरह शराब का सेवन, बाकी अय्याशियों में पैसे लुटाने का काम लॉरेंस बिश्नोई के टीम का कोई भी सदस्य नहीं करता है, ये इनकी खास बात है। ये बात जग जाहिर है कि खुद लॉरेंस नवरात्रि में 9 दिन का मौन व्रत रखता है। गैंग के सारे सदस्य जय बलकारी के भक्त हैं और मांस मदिरा से कोसों दूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। राजस्थान में कांग्रेस उपचुनाव की तैयारी में जुटी है। दिल्ली से लेकर जयपुर और हर विधानसभा में बैठकों का दौर जारी। चुनाव के मद्देनजर तकरीबन 50 नेताओं को जिम्मेदारियां सौंप दी गई, लेकिन 2 दिग्गजों को चुनाव के इस दौर में महाराष्ट्र और विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी सौंप दिए जाने से सवाल खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव तो राजस्थान में उपचुनाव की घोषणा के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उससे पहले कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे दिग्गजों को प्रदेश से दूर कर दिया गया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत को मुंबई और कोकण रीजन में, तो सचिन पायलट को मराठवाड़ा रीजन में सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस आलाकमान के लिए महाराष्ट्र चुनाव काफी अहम है, जबकि प्रदेश के उपचुनाव से प्रदेश की सत्ता पर कोई असर नहीं होने वाला है। कुछ नहीं, कोई सवाल नहीं, वहाँ की जिम्मेदारी भी निभाएंगे, यहाँ की उपचुनाव को भी देखेंगे और दोनों ही हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पूरे हिंदुस्तान में भी काम करेंगे, राजस्थान में भी काम करेंगे और सब मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे। हालांकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की माने तो दोनों ही दिग्गज नेता को दी गई जिम्मेदारी से प्रदेश के उपचुनाव पर कांग्रेस के हालात पर कोई असर नहीं होगा। वहीं प्रदेश में उपचुनाव को लेकर जिम्मेदारी की बात करें तो दौसा विधानसभा सीट पर विधायक रफी खान, विधायक डूंगर राम केदर, द्रौपदी कोहली और महेंद्र गहलोत को चुनाव प्रभारी बनाया गया, जबकि रमेश खंडेलवाल और पुष्पेंद्र भारद्वाज को संगठन प्रभारी बनाया गया है। झुंझुनू विधानसभा सीट पर विधायक हाकम अली, विधायक अमित चाचान, विधायक अनिल शर्मा और हेम सिंह शेखावत को चुनाव प्रभारी बनाया गया।
संगठन प्रभारी के रूप में यहां नसीम अख्तर और राम सिंह कसवा को जिम्मा दिया गया है। वहीं सचिन पायलट के गढ़ कहे जाने वाले टोंग जिले की देवली उनियारा सीट पर सांसद उमेदाराम बेनीवाल, कांग्रेस नेता करण सिंह उचियारडा, महिला नेता राखी गौतम और पूर्व अध्यक्ष किशन लाल को चुनाव प्रभारी की भूमिका दी गयी है। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे 30 मिनट में 50 जिले को खबरें।